तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेबी वर्ल्ड क्लासेस में। तो भैया आज हम बात करने जाने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, जो है हमारा पोस्टर। तो भैया एक अच्छा पोस्टर कैसे लिखें, ये सबके मन में एक इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमें चाहिए एग्जाम में इससे मिलने वाले 4 मार्क्स। तो ऐसा एक अच्छा पोस्टर किस तरह से लिखा जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जिससे आप एक अच्छा पोस्टर बना सकते हैं। वैसे भी मैं बता दूं, पोस्टर की कोई मार्किंग स्कीम नहीं होती है, तो मतलब आपको यहाँ मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं। जैसे आप बुरा बनाएं चाहे अच्छा बनाएं, आपको मार्क्स तो मिलेंगे। 2 मार्क्स आपको कन्फर्म है पोस्टर में देना ही पड़ेगा टीचर को। तो भैया पोस्टर की बात करते हैं, तो पोस्टर मेकिंग होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो पोस्टर एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट भी समझ सकते हैं, या फिर एक टाइप का इशू उससे रिलेटेड का इन इशू से रिलेटेड फॉर इंफॉर्मेशन हो सकती है, या एक टाइप की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर एक टाइप का अवेयरनेस के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो कि पब्लिक प्लेस में लगाने जाने योग्य हो, मतलब इम्पोर्टेंस वाला हो और जिससे काफ़ी लोग अट्रैक्ट हों, तो उसे पोस्टर बोला जाता है। तो भैया पोस्टर की खासियत ही होती है कि वो आप किसी भी आदमी को अट्रैक्ट करे, तो पोस्टर वही अच्छा पोस्टर माना जाता है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे, और इसके बाद अट्रैक्ट करने के बाद एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। वो इंफॉर्मेशन अच्छी हो तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर आपके पोस्टर बहुत ज़्यादा अच्छे ड्राइंग आपने बनाई है, वो आपको लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है, बट जब उसे लोग उसे पढ़ रहे हैं तो उसे के बारे में बुरा भला गाली ही दे रहे हैं, तो भैया यहाँ पास आपको हो सकती है प्रॉब्लम। क्योंकि पोस्टर बनाना और उसे अट्रैक्टिव बनाने के साथ साथ उसे कैसा होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव बनाना भी ज़रूरी है। तो भैया एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि पोस्टर एक अच्छा पोस्टर कैसे बनाया सकती है। तो पोस्टर सिर्फ 2 ही टाइप्स के हो सकते हैं, या तो पोस्टर या तो किसी अवेयरनेस के लिए लॉन्च किए जा रहे होंगे, या तो पोस्टर किसी इवेंट से रिलेटेड होंगे, जैसे फंक्शन हो गया, जैसे किसी टाइप का अवेयरनेस की अगर बात करूँ तो COVID-19 से बचाव के हो सकते हैं पोस्टर। तो चलिए यार एक पोस्टर के थ्रू एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन को समझते हैं कैसे। तो डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें तो वाटर की काफ़ी ज़्यादा कमी होती जा रही है, और कहीं तो पानी ही पानी है, कहीं पानी ही नहीं है। जहाँ पानी है अगले 10 साल बाद वहाँ पानी ही नहीं है, तो भैया आखिरकार कहीं पानी नहीं है समझेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पोस्टर कैसे अच्छा पोस्टर बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सामग्री की तरह जरूरत पड़ेगी, ये आपको एक पेज जो आपको एग्ज़ाम में आपके स्कूल वाले देने ही वाले हैं, उससे पहले आपको ट्राई करना है घर पे। तो भैया ये है मेरे पास एक पेज। अब भैया हमें टॉपिक क्या दिया है कि वाटर सेव लाइफ। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपके क्वेश्चन में हेडिंग दी हो उसी को आप हेडिंग डालें, बट हेडिंग आप ऐसा डालिए कि क्वेश्चन से रिलेटेड हो। तो भैया जैसे मेरा वाटर दिया गया है, तो मैं क्या डालूँगा, सेव वाटर, सेव लाइफ। तो ये हो गया मेरा एक हेडिंग। अब हेडिंग को चाहो तो आप अंडरलाइन करो, ना चाहो तो अंडरलाइन मत करो। तो इसका पहला ही होना चाहिए कि आपको कुछ बातों का यहाँ ध्यान रखना है, जो आप वर्डिंग इस्तेमाल करें पोस्टर में वो क्लियर होना चाहिए, मतलब आगे वाले को आसानी से समझ जाए कि भैया हाँ इसने ये शब्दों का उपयोग किया है, एक ही जगह उसे ओ ना दिखाई दे, ठीक। इसके बाद दूसरा, आपकी जो हेडिंग हो वो थोड़ा कैची हो, मतलब थोड़ी बड़ी हो, ताकि वो दूर से कोई आदमी भी देखे तो उसे अट्रैक्ट, मतलब उस नोटिस को पढ़ सके, ठीक, जो आपने हेडिंग दी हुई है, तभी वो आपकी पोस्टर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये हो गया। तीसरा, उसमें क्लियरिटी, मतलब ये एक क्लीननेस मेंटेन करना है। तो मैंने ये यहाँ एक पोस्टर का नाम दे दिया, जैसे सेव वाटर सेव लाइफ। अब भैया इसके नीचे आपको यूज़ कर सकते हैं कोई भी अच्छा सा एक स्लोगन, बेसिकली इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, इसलिए आप बिना फॉर्मेट के भी, इस जो मैं बता रहा हूँ इसके बावजूद भी आपके पास कोई और फॉर्मेट हो तो उससे भी लिख सकते हैं, बट एक प्रेफर वे बोला जाता है इस फॉर्मेट को जो मैं आपको बताऊँगा। तो आप यहाँ एक यूज़ कर सकते हैं कोई एक स्लोगन। तो भैया मेरे को स्लोगन तो याद नहीं, चलिए मैं फिर भी कुछ यूज़ कर देता हूँ जो अच्छा सा लगे। दैट वाटर इज
गिफ्ट फ्रॉम नेचर, प्लीज डोंट डू नॉट, लिख देता हूँ नॉट, वेस्ट इट। ये हो गया हमारा एक स्लोगन टाइप है, जो स्लोगन मेरे को याद नहीं था फिर भी मैंने लिख दिया इससे, जैसे कि वाटर इज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर, प्लीज डोंट वेस्ट इट। आपको अगर कोई स्लोगन याद है आपके टॉपिक के रिलेटेड तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा एक कैंची फॉर्मेट। अब भैया इसके बाद मुझे ड्राइंग पे ज़्यादा खास कुछ बनाना आता नहीं है, आपको भी मालूम है, तो फिर भी मैं एक ड्राइंग बना देता हूँ आपके लिए। तो आपको करना क्या है, मैं जैसे बना देता हूँ वाटर का है तो मैं वाटर का एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक इस तरह से। ये हो गया मेरे कुछ ड्रॉप्स तैयार हो गए। अब मैं ये ड्रॉप्स निकल रहे हैं, मान लेते हैं ये सब लोग बनाते हैं, फिर भी मैं भी बना देता हूँ क्योंकि ये आसान है मेरे लिए बनाना। ये हो गया हमारा नल, तो नल से वाटर की बूंदें गिर रही हैं और यहाँ हमने बनाया है एक वाटर हार्वेस्टिंग टब। ये हो गया हमारा टब, ठीक। तो अब ये हो जाएगा, इसमें धीरे धीरे करके पूरा का पूरा पानी भर रहा है। तो ये हो गया हमारा एक कैंची फॉर्मेट। तो आप ड्राइंग इस्तेमाल करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि पोस्टर ड्राइंग के बिना अच्छा नहीं लगता। तो ये हो गया पूरा का पूरा एक कैंची फॉर्मेट जो मैंने यूज़ किया। अब भैया इसके नीचे आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि अवेयरनेस, या फिर कुछ लिख सकते हैं ऐसा कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे, या फिर उस तरीके से क्या इस पोस्टर को पढ़ने के बाद क्या आपको फ़ायदा मिला, या क्या इंस्ट्रक्शन है आपकी तरफ से। जैसे मेरे को वाटर हार्वेस्टिंग, मैं ऐसे टॉपिक डाल देता हूँ वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक। ये हो गया मेरा फॉर्मेट, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को लिख देता हूँ, जैसे इट विल इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल। सेकंड लिख देता हूं, इट विल सेव फ्यूचर। तीसरा पॉइंट लिख देता हूं, वाटर इज बेसिकली लिख देता हूँ एक आखिरी पॉइंट वाटर हार्वेस्टिंग के रिलेटेड। चलिए भैया एक पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ, वैसे मेरे से बन भी नहीं रहा है। आप इसे मुझे कमेंट में एक पॉइंट बता दीजिएगा कि वाटर हार्वेस्टिंग का मैं एक अच्छा सा पॉइंट क्या लिख सकता हूँ जो कि करीबन 5 वर्ड्स के अंदर ही आ जाए, ठीक। तो एक ही लाइन में जो आ जाए। अब इसके बाद ये होने के बाद अब देखिए फॉर्मेट थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, भैया बनाया किसने, जेपी वर्ल्ड भैया ने। तो चलिए यार ये हो गया हमारा। अब आखिरी में हमें करना क्या है जो इस फॉर्मेट का सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्टर का। अब जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि इट इज़ जो कि इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो आप ऐसे ही कुछ जो आपके क्वेश्चंस में दिया होगा जिस ब्रांड उस या फिर जिस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन उसे ऑर्गेनाइज कर रही है उसका आपको यहाँ नाम लिखना है। किस तरह से लिखना है चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करा रही है तो मैं लिखूँगा इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई इंडिया, जय हिंद। तो चलिए भैया ये हो गया हमारे का पूरा फॉर्मेट जो आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। आपको ये बेसिकली आपके एग्ज़ाम में इसको ब्लू पेन से लिखना है, ध्यान रखिए ब्लू पेन ही यूज़ कर रहा है, तो मैंने ब्लैक से लिख दिया है, सॉरी ब्लू से ही लिखना चाहिए था मेरे को भी। तो ये पूरा का पूरा हो गया मेरा फॉर्मेट। अब आपको टाइम है भैया आपके पास एग्ज़ाम में, तो भैया इसको करिए थोड़ा सा पेंट क्योंकि ये थोड़ा सा लगेगा और अट्रैक्टिव। अब मैं कर दिया इसको पेंट, तो अब थोड़ा सा और देखने में अच्छा लग रहा है भैया।
तो आप इस तरह से अपना एक अच्छा सा फॉर्मेट बना सकते हैं, तो आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले कुछ बातों का ध्यान दिया, जैसे कि जो हमारा फॉर्मेट का जो हेडिंग था उसे क्या किया, कैची बनाया। दूसरा इस बात हमने जो इसमें स्लोगन्स का इस्तेमाल किया जो कि इसे और अट्रैक्टिव बनाता है। तीसरा मैंने इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि वाटर हार्वेस्टिंग करिए भैया, जो कि काफ़ी फायदेमंद होगा, तो मैंने लिखा। एक अच्छा सा डायग्राम बनाया ताकि इसे लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। जो मैं बात बोल के नहीं कह सकता वो ज़्यादातर मैं डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ कि एक एक बूंद से एक टब भर सकता है, तो एक एक बूंद से कितनी बूंदें गिरती है भैया बारिश में, तो उससे तो पूरा देश ही भर जाएगा। तो इसलिए भैया वाटर हार्वेस्टिंग बनाइए और ग्राउंड लेवल को बचाइए। इसके बाद आखिरी में हमें जो करना है वो ये है इम्पोर्टेंट कि इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए भाई, आई लव माय इंडिया, तो ख़त्म ये टॉपिक ओवर। तो भैया वीडियो हो सकता है कि आपको पसंद ना आया हो, या आया हो तो आप उसके हिसाब से डिसलाइक या लाइक कर सकते हैं। अब भैया इसके बाद आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर ना पसंद आया हो फिर भी सब्सक्राइब किए रहने दीजिए भैया, काहे पेट मार रहे हैं भैया। तो इसके बाद आगे इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इसके बाद चलो भैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।